आपका नाम तबरेज अंसारी है तो आपको मारा जा सकता है, आपका नाम जुनैद है तो आप ईद की खरीदारी करके जा रहे हैं तो आपको मारा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है जो मारता कोई नहीं है, ऐसा जादू हो रहा है, लोग कर रहे हैं। तबरेज अंसारी को मारा नहीं गया, नहीं नदीम भाई का नहीं है, उसको तो हार्ट अटैक हो गया। पहलू खान अपने आप मर गया, उसको मारने वाला कोई मिला ही नहीं। अब ऐसे वीडियो रिकॉर्ड होते हैं जो ऑटोमेटिकली डॉक्टर हो जाते हैं रिकॉर्ड होते ही, मतलब वीडियो एविडेंस में भी कोर्ट को लगाने की उसको मारा गया किसी को। आज ऐसा माहौल बन गया कि जिन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए था वो लोग देश के गृहमंत्री बने। आज खासतौर से दूसरी सरकार आई है, इसका इसने शुरू से ही जिस तरह का सरकार बनी उस संदेश मिल गया था। प्रज्ञा ठाकुर को एमपी का टिकट दिया जाता है, बलियान साहब सब जानते हैं, संजय बलियान और संगीत सोम, इन लोगों का क्या रोल था। बलियान साहब को मंत्री बनाया जाता है, षडंगी साहब को मंत्री बनाया जा सकता है, इस तरह के लोगों को सरकार के अंदर सीधा शामिल किया जाता है। और मोदी जो खुद जीनोसाइड का एक नरसंहार का जिम्मेदार है वो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनता है, तो संदेश तो साफ था। और ये भी साफ बात है कि सब कुछ जहां एक और आरएसएस के डिजाइन से हो रहा है, आरएसएस का एजेंडा से हो रहा है। आरएसएस आप किताब पढ़े गोलवालकर साहब की तो उसमें उन्होंने लिखा है तीन दुश्मन हमारे हिंदुस्तान में, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और कम्युनिस्ट। और वो संदेश देते हैं कि अगर आपको रहना है तो आपको दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रहना पड़ेगा। ये बात क्योंकि उनके पास सत्ता आ गई है उसको लागू कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसका दूसरा पहलू भी है कि वो सत्ता में आए भी इसीलिए हैं क्योंकि भारत के जो शासक वर्ग है उसका संकट इतना गहराया हुआ है कि वो जनता का ध्यान बटाने के लिए ऐसे लोगों को लाना चाहता है। आज हमारे पास मुद्दे क्या हैं? रोजगार मुद्दा नहीं है, मुद्दा क्या है? 370 कितने मजबूत हो गए हम, क्या तगड़ा प्रधानमंत्री, 370 हटा दिया, किसी की हिम्मत नहीं हुई। आज हमारे पास मुद्दा बेरोजगारी नहीं है, हमारे पास मुद्दा पूरा जो पूरे श्रम कानून खत्म कर रही है सरकार, वो हमारे मुद्दे नहीं बन रहे हैं। शिक्षा के ऊपर इतना जबरदस्त हमले, अगर नई शिक्षा नीति को बढ़े अगर वो लागू हो गई तो समझ लीजिए कि आम आदमी की पहुंच से धीरे धीरे शिक्षा खत्म हो जाएगी, लेकिन वो मुद्दा नहीं बनता है क्योंकि मुद्दा बन रहा है कि हमने घर में जाकर मार के आए हम, बालकोट को मुद्दा बन जाता है। हम मुद्दा बना रहे हैं कि हम हिंदू हैं, इतने बड़े बहुसंख्यक लोग हैं, आज हम कुछ भी कर सकते हैं, आज वो स्थिति आ गई है। पहले की सरकार तो सारी मुसलमान परस्त सरकारें थी, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि असल में ये सरकार उनके लिए भी कुछ नहीं कर रही है। ऐसा नहीं हो रहा है हिंदुस्तान का जो 14-15 करोड़ मुसलमान है, मान लीजिए उनको आप समंदर में फेंकते हैं, हिंद महासागर में फेंका है, तो क्या सबको रोजगार मिल जाएगा? जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि इनको मारकर हम कितने मजबूत बन गए हैं, दरअसल हमारी समस्याओं को हल करने की कुव्वत सरकारों के पास नहीं है क्योंकि वो हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें उलझाया जा रहा है इन सब चीजों में। देशभक्ति की परिभाषा बदली जा रही है, आप जनता की बात कीजिए, आप सरकार की नीतियों का विरोध कीजिए तो आप देशद्रोही बन सकते हैं। आपके नाम मुस्लिम नाम होगा तो आप सीधे आतंकवादी बन सकते हैं। आपको जीने का अधिकार चाहिए तो सरकार की बातें मानिए और जो सरकार की आर्थिक नीतियां हैं उनको मानिए, और उनको इस तरह से मानिए कि अपने आप को लूटे जाने को, अपने को अपने आप के ऊपर सरकार द्वारा हमले कराने पर गर्व महसूस करेंगे आप। ये एक स्थिति बना दी गई है कि आपको गर्व हो रहा है कि हम लूटे जा रहे हैं, आपको गर्व हो रहा है कि हम मर रहे हैं। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 5,000 रुपए, मैं 200 रुपए किलो दाल खाऊंगा लेकिन वोट मोदी को ही दूंगा, ये जो एक भावना बना दी गई है देश को, देश की जनता को गुमराह कर उसके दिमाग में जो भ्रम और नशा पैदा किया गया है, ये बेहद खतरनाक नशा है। इस पूरे नशे का हम सबको मिलकर जोरदार तरीके से विरोध करना होगा, उसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम लगानी पड़ेगी जिसमें छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान सब इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ निकलेंगे। तो मैं नहीं समझता कोई वजह है कि सरकार को हम अपनी नीतियों को वापस करने के लिए मजबूर कर सकेंगे। लाल साहब।